संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने, दो राज्यों में विधानसभा होने और अयोध्या विवाद का फैसला आने के बाद ये सदन का पहला सत्र है। शीतकालीन सत्र शुरू होने पर कांग्रेस, शिवसेना, टीएमसी ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया। आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस ने स्थगन प्रस्ताव दिया है, वहीं टीएमसी ने फारूक अब्दुल्ला की नजरबंदी को लेकर और शिवसेना ने किसानों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मौजूदगी में राष्ट्रगान के साथ संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ। सबसे पहले संसद के नव निर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली है। लोकसभा में नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने दिवंगत सदस्यों के बारे में सदन को सूचित किया और उन सभी को श्रद्धांजलि दी। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि 2019 का ये आखिरी संसद सत्र है, राज्यसभा का 225वां सत्र है। इस सत्र के दौरान 26 तारीख को हमारा संविधान दिवस है, हमारे संविधान के 70 साल हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि संविधान देश की एकता, अखंडता और विधिवत को समेटे हुए है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर खुलकर चर्चा चाहते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही जंग का असर अब दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। जो शिवसेना पहले एनडीए का हिस्सा होकर मोदी सरकार का विरोध करती थी, अब वो औपचारिक रूप से विपक्ष का हिस्सा बन गई है। जहां शिवसेना ने लोकसभा में किसानों के मसले पर स्थगन प्रस्ताव दिया, तो वहीं संसद भवन के बाहर प्रदर्शन भी किया गया। जम्मू कश्मीर मसले पर पीडीपी के राज्यसभा सांसद नजीर अहमद लावे और मीर मोहम्मद फयाज ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया है। दोनों सांसदों का कहना है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना गलत है, राज्य को मिला विशेष दर्जा जारी रहना चाहिए और हालात को सामान्य किया जाना चाहिए। साथ ही सभी राजनीतिक शख्सियतों को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी संसद सत्र में भाग लेने के लिए साइकिल से पहुंचे। मनोज तिवारी ने प्रदूषण से परेशान लोगों को संदेश देने की कोशिश की। खुद साइकिल चलाते हुए मनोज तिवारी को देखकर भीड़ जुट गई है। महाराष्ट्र में सरकार को लेकर सस्पेंस लगातार बरकरार है, तो वही एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शिवसेना से पूछे सरकार कैसे बना सकती है, चुनाव शिवसेना बीजेपी के साथ लड़ा था। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार दिल्ली पहुंच गए हैं। शाम 5 बजे शरद पवार और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से अहम मुलाकात होनी है। इस मुलाकात में महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शिवसेना को समर्थन पर चर्चा की जाएगी। ये मुलाकात शाम 5 बजे होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन सरकार की कोशिशों के बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगे। इस अहम बैठक के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन सरकार के गठन पर तस्वीरें जो है वो साफ होने की उम्मीद जताई जा रही है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर हमला बोला है। किसानों के मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल और बीजेपी पर निशाना साधा है। सामना के संपादकीय में लिखा गया कि किसानों का मौजूदा संकट आसमानी और सुल्तानी दोनों तरह की है। संजय रावत ने बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि अपनी भगवान वाली सोच गलत है, कोई अपने को भगवान ना समझे। बड़े बड़े बादशाह आए और चले गए, देश का लोकतंत्र हमेशा से कायम है। साथ ही उन्होंने कहा कि शिवसेना ने ही एनडीए को बचा कर रखा हुआ है। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का अयोध्या दौरा रद्द हो गया है। अब उद्धव ठाकरे 24 नवंबर को अयोध्या नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि रामलला के दर्शन के लिए उद्धव ठाकरे को अयोध्या जाना था। बिहार के कटिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने राजनीतिक संन्यास की फुलफुट प्लानिंग की जानकारी दी है। उन्होंने जेएनयू में स्वामी विवेकानंद की मूर्ति तोड़ने पर अवार्ड वापसी गैंग और टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कई राजनीतिक पार्टियों को देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ा होने के लिए जमकर लड़ताड़ लगाया है। बिहार के 55 विधान पार्षदों को नया डुप्लेक्स बंगला मिल गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने माननीय के लिए बनाए गए नए डुप्लेक्स बंगले की चाबी उन्हें सौंप दी है।
पटना में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार ने विधान पार्षदों को उनके नए आवास की चाबी सौंपी। झारखंड के सीएम रघुवर दास ने नामांकन से पहले मां का आशीर्वाद लिया। वो जमशेदपुर पूर्वी से बीजेपी के प्रत्याशी है। रांची में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तमाड सीट से नामांकन करने के लिए कुंदन पाहन बिड्डू एसडीओ ऑफिस पहुंचे। बता दें कि कुंदन पाहन जेल में बंद पूर्व कुख्यात माओवादियों के नक्सली हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राज्य में निवेश और निर्यात को नई दिशा देने के लिए विदेश सहयोग विभाग स्थापित करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का लक्ष्य भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित कर साल 2024 तक 3 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ाकर 5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के समूह देशों में शामिल करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज सुबह कालका शताब्दी ट्रेन से पानीपत पहुंचे हैं। पानीपत पहुंचने पर उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से अवगत भी करवाया। मुख्यमंत्री ने सभी को आश्वासन दिया है कि जल्द सभी की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर भूपेश बघेल सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। इतना ही नहीं, आबकारी मंत्री कवासी लखमा को जोकर तक भी कह दिया। जस्टिस एसएस बोबड़े ने भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ले ली है। उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 63 साल के जस्टिस बोबड़े ने अंग्रेजी में शपथ ली। यह समारोह राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में आयोजित किया गया था। फीस बढ़ोतरी के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट का संसद मार्च शुरू हो गया है। करीब 2 से 3 हजार स्टूडेंट मार्च निकाल रहे हैं। जेएनयू गेट पर लगाए गए 3 बैरिकेड को छात्रों ने तोड़ दिया है। जेएनयू कैंपस के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि इस मार्च को मंडी हाउस से आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। जेएनयू में छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कमेटी बनाई है। कमेटी छात्रों से बात कर विवाद सुलझाएगी। एमएचआरडी ने 3 संसदीय कमेटी बनाई है। लखनऊ में शक्ति भवन के बाहर हजारों संख्या में बिजली कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने भविष्य निधि घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक आश्वासन नहीं मिलेगा प्रदर्शन जो है वो जारी रखेंगे। वहीं बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर यूपी सरकार सख्त है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सभी पावर स्टेशन पर सुरक्षा के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि हड़ताल और तोड़फोड़ करने पर केस होगा। यूपी के हापुड़ पहुंचे पीएम मोदी के छोटे भाई और राष्ट्रीय जनमंच के संरक्षण प्रहलाद मोदी का मंच पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रहलाद मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हर परिवार में एक गाय अवश्य होनी चाहिए और गौ संस्कार संस्कृति और कर्म तीनों एक साथ ले जाएगी। गाय के शरीर पर हाथ फेरने से हमारा बीपी कंट्रोल रहता है। बिहार के सीतामढ़ी से जयपुर जा रही डबल फ्लोर टूरिस्ट बस NH28 पर हितिमपुर टोल प्लाजा के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 5 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई जबकि 30 से अधिक यात्री घायल हैं। राजस्थान के बीकानेर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। NH11 पर बस और ट्रक में भीषण टक्कर हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 25 लोग घायल होकर डुगरगढ़ के पास ये हादसा हुआ है। यूपी के आगरा में ऑटो में आग लग गई है। ऑटो में सवार लोगों ने कूदकर किसी तरह जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है। रामबाग की तरफ से ऑटो जा रही थी। मामला थाना एमथा दिल्ली रामबाग चौकी के फ्लाईओवर के पास का है। बिहार के डुमरिया में सब्जी मंडी में आग लगने का मामला सामने आया है। मामला मैगरा सब्जी मंडी का है। आग इतनी भयंकर थी कि पड़ोस की झोपड़ियां भी उनकी चपेट में आ गई। ग्रामीणों ने असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का आरोप लगाया।
यूपी के औरैया में यूपी पुलिस का जुआ खेलते हुए वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मेले में सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाए गए पुलिसकर्मी ड्यूटी की जगह पर जुआ खेलते नजर आ रहे थे। ना सिर्फ जुआड़ियों के साथ बल्कि जुए के लिए पैसे लगाते और वसूली करते भी नजर आ रहे हैं। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के जोरा का है, जहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा के आयोजन पर 3 दिवसीय मेले का आयोजन था, जिसकी सुरक्षा में ये पुलिस कर्मी तैनात किए गए थे। बबीना चौक पे तैनात हेड कांस्टेबल पाल सिंह अपने 2 साथी पुलिस कर्मियों के साथ सुरक्षा के नाम पर जुआड़ी की ड्यूटी करते नजर आ रहे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने कालापानी को लेकर फिर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नेपाल, भारत और तिब्बत के बीच ट्राई जंक्शन में स्थित कालापानी क्षेत्र नेपाल का हिस्सा है और भारत को वहां से अपनी सेना तुरंत हटा लेनी चाहिए। भारत ने हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नए केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद देश का नया नक्शा जारी किया था, जिसके बाद नेपाल में कालापानी क्षेत्र को उत्तराखंड में दिखाए जाने पर एतराज जताया गया था। नेपाली की आपत्ति के जवाब में भारत ने कहा था कि नक्शा पूरी तरह से भारत की संप्रभुता को दिखाता है और नेपाल के साथ सीमा में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। पाकिस्तान में इमरान खान के तख्तापलट की खबरें फिर तेज हो रही है। दरअसल इमरान ने पिछले हफ्ते पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल जावेद से इमरान खान ने मुलाकात की थी। वहीं मुलाकात के बाद अब इमरान खान कामकाज से छुट्टी ले ली है। छुट्टी को लेकर उन्होंने दलील दी है कि वो लगातार काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें ब्रेक चाहिए था। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जी बिडेन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से के खिलाफ बड़ा हमला बोला है। बिडेन ने लास वेगास के पड़ोस में एक प्राथमिक विद्यालय में टाउन हॉल के दौरान निवादा में लोगों को चेतावनी दी। बिडेन का कहना है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति हैं, अमेरिका की सुरक्षा और इसका भविष्य खतरे में है। हांगकांग में 5 महीने पहले शांतिपूर्ण सामूहिक मार्च के रूप में जो आंदोलन शुरू हुआ था, वो अब शहर के सबसे बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया है। सरकार और चीन की नीतियों को लेकर लगातार हो रहे विरोध प्रदर्शन से बड़े पैमाने पर रोक हटा दी गई है। हांगकांग में जारी अस्थिरता का असर पूरी दुनिया के व्यापार पर मंडराना शुरू हो गया है और कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों और ब्रांड हांगकांग से बाहर निकाले और अपनी शाखाओं को कहा है कि स्थानांतरित करने के बारे में जरा सोच विचार करें। बांग्लादेश में प्याज के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद सरकार ने विमान से तुरंत प्याज आयात करने का फैसला लिया है। इससे पहले बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने खाने की लिस्ट से प्याज को हटा दिया था। भारत से निर्यात रोक दिए जाने के बाद उसके पड़ोसियों देशों में प्याज के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उपलब्धता कम होने के बाद बांग्लादेश में प्याज का दाम बढ़कर 260 टका यानी करीब 220 रुपए किलो पर पहुंच गया है। वहीं पेट्रोल की कीमतों में आज तेजी दर्ज की गई है, जिसके बाद दिल्ली सहित देश के कई महानगरों में आज पेट्रोल महंगा मिल रहा है। उधर डीजल अपनी पुरानी कीमत पर ही बिक रही है। दिल्ली में आज 1 लीटर पेट्रोल के भाव में 16 पैसे की तेजी के साथ 74.05 रुपए और 1 लीटर डीजल का भाव पुराने स्तर पर 65.69 रुपए पर ही बना हुआ है। 2 दिनों की छुट्टी के बाद आज शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक सेंसेक्स आज 74.39 अंकों की बढ़त के साथ 40,431.08 पर खुला है। बाजार खुलने के बाद सेंसेक्स सुबह 9:35 तक अधिकतम 40,542.40 अंकों तक रहा। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज 19.07 अंकों की बढ़त के साथ 11,915.15 पर खुला है। बीते दिनों देश की 2 बड़ी टेलीकॉम कंपनी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया की दूसरी तिमाही के नतीजे जारी किए गए हैं। इन नतीजों में दोनों कंपनियों को अब तक का सबसे बड़ा घाटा हुआ है। ऐसे में अब इन कंपनियों को कर्ज देने वाले बैंकों की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल पहले से ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट की वजह से तनाव में चल रहे बैंकिंग सेक्टर को डिफॉल्ट की आशंका जताई गई थी। डिफॉल्ट से बैंकों का एनपीए बढ़ने का खतरा होगा। इसके अलावा म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भी प्रभावित हो सकती है। मशहूर कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी बेस्ट सेलिंग कार पर बम्पर डिस्काउंट दे रही है। इस लिस्ट में मारुति सुजुकी डिजायर है। वहीं अक्टूबर 2019 में डिजायर की 19,569 यूनिट विक्रीत की गई। वहीं अब कंपनी की तरफ से कार पर कुल
63,200 की छूट मिल रही है, जिसमें 30,000 का कंज्यूमर ऑफर और 20,000 तक का एक्सचेंज बोनस ऑफर भी शामिल है। वहीं गाड़ी पर 5,000 तक का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिलेगा। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अपनी राय रखी है। उनका कहना है कि भारत में आर्थिक ग्रोथ को लेकर भरपूर क्षमता है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले दशक में भारत की आर्थिक ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। वहीं गेट्स ने भारत के आधार आइडेंटिटी सिस्टम से लेकर वित्त सेवाओं और फार्मा सेक्टर को खूब सराहा भी है। कप्तान विराट कोहली और रोहित शर्मा के अलावा मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा और उमेश यादव की गेंद बाजी तिकड़ी ने रविवार को यहां ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया, जबकि टीम के अन्य सदस्यों ने होलकर स्टेडियम में दूधिया रोशनी में जमकर नेट प्रैक्टिस भी की थी। कोलकाता में पहले दिन रात्रि टेस्ट की तैयारियों के लिए भारतीय टीम दूधिया रोशनी में ट्रेनिंग कर रही है। भारत और बांग्लादेश गुलाबी गेंद से अपना पहला डे नाइट टेस्ट कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन में 22 से 26 नवम्बर तक खेलेगी। टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। गंभीर ने धोनी को 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपने शतक बनाने से पहले ही आउट होने के लिए जिम्मेदार बताया। भारत की 2011 वर्ल्ड कप जीत में अहम भूमिका निभाने वाले ओपनर गौतम गंभीर ने फाइनल में 69 रनों की पारी खेली थी। दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज जेल स्टेन ने मोहम्मद शमी को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बताया है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है। दरअसल स्टेन ने ये बात ट्विटर पर एक फैन के सवाल पर जवाब देते हुए कहा। यूजर ने पूछा कि उनके हिसाब से अभी कौन सा गेंदबाज दुनिया में सबसे बेहतरीन है। इसके जवाब में स्टेन ने शमी का नाम लिया है। अफगानिस्तान के गेंदबाज करीब जनात वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। टी20 मुकाबले में 21 साल के इस गेंदबाज ने 4 ओवर में 11 रन देकर 5 विकेट झटके। हालांकि अफगानिस्तान का ये गेंदबाज टी20 क्रिकेट में बेस्ट गेंदबाजी प्रदर्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूक गया था, जो हाल ही में भारत के तेज गेंदबाज दीपक चाहर ने बांग्लादेश के खिलाफ बनाया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा का मानना है कि टेनिस स्टार सोनिया सानिया मिर्जा एक अच्छी इंसान है और उनके अंदर फरेब नहीं है। परिणीति ने इंस्टाग्राम पर सानिया मिर्जा को उनके 33वें जन्मदिन पर बधाई दी और उनकी तारीफ भी की है। सानिया के साथ अपने फोटो शेयर करते हुए परिणीति ने कहा कि सानिया हमेशा जमीन से जुड़ी हुई रहती है। फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में काजोल और अजय देवगन की जोड़ी एक बार फिर पर्दे पर नजर आने वाली है। पीरियड ड्रामा इस फिल्म से काजोल का फर्स्ट लुक सामने आया है। इस फिल्म में काजोल तानाजी की पत्नी सवित्री बाई मालुसरे का रोल प्ले करती हुई नजर आएंगी। फिल्म के पोस्टर में काजोल मराठी लुक में नजर आ रही है। सिर पर पल्लू लिए, माथे पर बड़ी सी बिंदी और नोज रिंग पहने हुए काजोल का लुक बेहद ही दमदार है। 90 के दशक में अपनी मीठी आवाज से सबका दिल जीतने वाली फाल्गुनी पाठक का गाना याद पिया की आने लगी काफी फेमस हुआ था। इस गाने में लोग आज भी डांस करते हैं। फाल्गुनी के इसी गाने का रिमिक्स बनाया गया है, जो कि इस वक्त काफी चर्चे में चल रहा है। गाने के नए वर्जन को नेहा कक्कड़ ने अपनी आवाज दी है। साथ ही रिमिक्स वर्जन एक्ट्रेस फिल्म मेकर दिव्या खोसले कुमार पर फिल्माया गया है। सलमान खान ने शेरा के साथ एक फोटो शेयर करते हुए लिखा है 25 साल हो गए हैं और अभी भी मजबूती बढ़ रही है। फोटो में शेरा और सलमान साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं और दोनों ने बिग स्ट्रांग लिखी हुई टी शर्ट पहन रखी है। सलमान खान के फोटो शेयर करने के बाद शेरा ने भी इस फोटो को रीशेयर करते हुए शुक्रिया अदा किया है। अमिताभ बच्चन की पोती आराध्या बच्चन ने 16 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है। आराध्या के बर्थडे सेलिब्रेशन पर अभिषेक और ऐश्वर्या ने ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। अब पार्टी की इनसाइड फोटोज सामने आई है। इन फोटोज में आराध्या के साथ दादा अमिताभ और दादी जया भी नजर आ रही हैं। अक्षय कुमार और करीना कपूर खान स्टारर फिल्म गुड न्यूज का एक और नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इस पोस्टर में फिल्म की स्टार कास्ट नजर आ रही है और चारों अहम किरदार एक साथ दिखाई दे रहे हैं। फिल्म पोस्टर में अक्षय कुमार के साथ करीना कपूर और कियारा आडवाणी के साथ दिलजीत दोसांझ नजर आ रहे हैं। चारों एक साथ खड़े हैं। वहीं इससे पहले भी फिल्म के 3 पोस्टर रिलीज किए गए थे, जिसमें अक्षय कुमार का चेहरा 2 प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट के बीच रखा हुआ दिख रहा था।